हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ नेक्स्ट डे एंड अभी हो रहे हैं सुबह के 7 o'clock. मैं नहा चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ एंड अभी मैं जा रहा हूँ सेट पर, हमारी शूट लोकेशन. लेकिन उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर सेट पर जाऊँगा जो कि है 40 मिनट्स दूर. तो चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करने चलता हूँ, फिर चलते हैं सेट की तरफ. आ रहा है हमारे लोकेशन से, यहाँ पे हमारा शूट हो रहा है एंड यहाँ पे है वैनिटी. कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, वाओ. एंड ये हमारी पूरी लोकेशन जहाँ हम शूट कर रहे हैं, मतलब यहाँ नहीं बट उस घर में. एंड ये व्यू, मतलब ये पूरा ऊटी कुन्नूर सेक्शन है एंड यहाँ पे. तो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 5 एंड हम अब तक शूट कर रहे हैं. मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ कोर्स रिवील नहीं कर सकता हूँ मैं, बट हाँ अभी मेकअप हो जाएगा, लास्ट शॉट ही चल रहा है यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ आपको. सो गाइज, दिस वॉज डे 2 एंड ऑफ कोर्स मैं डायरेक्ट डे 2 पे आ गया बिकॉज मैं हर चीज़ सेट की नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल. और डे 2 पे ये हमारे सेट पर आया था छोटा सा पपी, और तो मैंने सोचा कि ये क्यूट लग रहा है, ये दिखाना बनता है व्लॉग में, तो मैंने दिखा दिया. सो यस, और कुछ ऐसा है हमारे डे 2 का शूट लोकेशन और उसका व्यू. बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर गाइज, और ये था हमारा डे 3 ऑन सेट. और आप बस हवा की आवाज़ सुनो कितनी ठंडी थी. एंड यस गाइस, हमने डे 2 पे जो लोकेशन पे शूट की थी वही हम डे 3 पे भी कर रहे हैं. यस, बिकॉज कुछ कंटिन्यूटी शॉट्स थे तो यस वही. और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी थी गाइस, और ठंडी के साथ साथ ये प्यारा सा व्यू भी. सो गाइस, ये था डे 4 और हम जा रहे थे हमारी शूट लोकेशन की तरफ. और मैं डे 4 पे ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक डे था. मैं डायरेक्ट अब वैनिटी से रेडी होके शूट लोकेशन की तरफ जा रहा था एंड यहाँ पे हमारा एक्चुअली एक सॉन्ग शूट होने वाला था जो मूवी में है, और ये लेक के साइड पे होने वाला था और यहाँ पे मैं पोज करता हुआ. तो यस, सभी मैं शूट लोकेशन की तरफ ही जा रहा था डे 4 पे, और मैं ज्यादा कुछ शूट इसलिए भी नहीं कर पाया कि कॉन्फिडेंशियल भी रहता है. आई होप आप गाइस समझ रहे हो सब. So yes, and I hope आप सबको ये व्लॉग में मजा आ रहा होगा. Hello everyone, welcome back to my channel, Meet Mukesh Vlogs. I hope you guys are doing absolutely good. So guys, आज मतलब आज है 5th of September एंड देखते ही देखते हमें ऊटी में हो गए हैं 5 दिन एंड आज 6th day है. एंड आज हम जा रहे हैं शूट पर. आपने इतने दिन के शूट तो देख ही लिए होंगे, लेकिन आज हम जा रहे हैं शूट पर और वहीं से डायरेक्ट हम जाएंगे एयरपोर्ट एंड फिर वहाँ से गुवाहाटी जाएंगे हम. मतलब कनेक्टेड फ्लाइट है टू गोवा, फ्रॉम कोयम्बटूर टू चेन्नई एंड देन टू गुवाहाटी. तो चलो अभी चलते हैं पहले तो साइट पर, लेट्स गो. तो गाइज हम लोग कर रहे हैं शूट लवडेल स्टेशन पर एंड यहीं पर ही सीन है हमारा. सो हाँ, अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है एंड शूट है, शाम तक शूट चलेगी, फिर उसके बाद तो जाना है. ज़रा अभी शूट कंप्लीट करता हूँ फिर मिलता हूँ आप सबसे.
Neetu is very talented boy. He knows very well. But I enjoy a portion where, like, you know, one day when I was like, you know, what Chanu calls it, Tinjer Popan is what he calls it. Like, you know, an image, when you look at one side, it looks like one and that thing, the illusion. So what happened is, when I was like, you know, doing this thing, shifting between Drishti and me. So when I was doing it, I used to go show Drishti how Meet used to perform. I used to tell, look what Meet did. I want you to be like, you know, better than what Meet did. And actually she did. Then I used to like, you know, go tell him like, you know, this is what, like how it is. You need to do this. And he did it. But somewhere I felt like, you know, Telugu will be a problem. But everyone here, including Shivani ji, managed Telugu. managed Telugu. You, all you three really did perform. So that's brilliant. So Meet is a very good performer. He's got a very bright future. He understands it so well and he can perform really well. हेलो एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं जा रहा हूँ ऊटी से असम इवेंट के लिए, बट मैं नहीं जा पाया बिकॉज शूट आ गया था. लाइक यहाँ पे ना बारिश हो गई थी एंड देन वो कुछ सीन्स पेंडिंग रह गए थे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं नहीं जा पाया बिकॉज ये भी ज़रूरी था, वो भी इम्पॉर्टेंट था. बट आई ट्राइड टू मैनेज, दोनों हो जाए मैनेज, बट दोनों मैनेज नहीं हो पाए, तो इसीलिए मैं असम नहीं जा पाया, गुवाहाटी नहीं आ पाया. मेरा परफॉर्मेंस भी था, मैं वो भी नहीं कर पाया. आई एम रियली सॉरी गुवाहाटी के लोगों को जो मेरा वेट कर रहे थे, जो मुझसे मिलना चाहते थे, मेरा परफॉर्मेंस देखना चाहते थे. आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे भी मैं शूट के लिए थोड़ा ये तो चीज़ें फंस गई थी. बट आई एम रियली सॉरी एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी आऊँगा गुवाहाटी एंड परफॉर्म करूँगा अच्छे से, आप सबसे मिलूँगा. सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए गाइस, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए. एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन जल्दी जल्दी आऊँगा, बहुत जल्दी से आऊँगा एंड मिलूँगा आप सबसे. एंड अभी मैं ऊटी में ही हूँ एंड आज हमारा है नाइट शूट. तो हाँ गाइस, आज नाइट शूट करेंगे एंड फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आज तो नाइट शूट है. तो चलो अभी टाइम है थोड़ा, चलो फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे थोड़ी देर में. सो गाइस, जब तक हमारे पास टाइम है तब तक मैं आपको होटल टूर दे देता हूँ कि हमारे होटल में और क्या क्या है. यहाँ पर जैसे कि है टेबल टेनिस रूम जहाँ पे आप टेबल टेनिस खेल सकते हो और आगे जाके स्नूकर भी खेल सकते हो, मतलब स्नूकर गेमिंग रूम कह सकते हो आप उसको, वो है यहाँ पर. एंड यहाँ पे है ये जिम. और यहाँ पर है चिल्ड्रंस प्ले एरिया पार्क एंड दिस इज जिम. सो यस, इतनी ब्यूटीफुल है हमारी होटल एंड ये व्यू देखिए, वाओ. और मैं आपको दिखाता हूँ एक बॉनफायर की भी जगह है गाइस, जहाँ पे मतलब बॉनफायर एंड ऑल होता है. यहाँ से आगे जाके राइट हैंड साइड पर है बॉनफायर की जगह, यहाँ पे रात में बॉनफायर होती है. बट अभी यहाँ पे बारिश हो जाती है तो फिर बॉनफायर नहीं हो पाता है, बट हाँ यहाँ से है वो जगह. सो गाइस, मैं सेट पर आ गया था और ये सेट पर जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पे गार्डन था और हमारे पास था बॉल. तो बीइंग अ क्रिकेट लवर, हमारे पास बैट नहीं थी लेकिन बॉल था, तो हमने कैच कैच खेल लिया. तो था कि रात भर बॉडी भी एनर्जेटिक रहे, अभी से बॉडी को वार्म अप कर लिया हमने. तो यस गाइस, यहाँ पे हमने किया थोड़ा सा फन और उसके बाद शूट स्टार्ट. एंड गाइस, फाइनल शूट कंप्लीट हुआ, नाइट शूट हमारा. और ये रील हम बना रहे थे सुबह के 7 o'clock के आसपास और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. ये रील आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर.
तो यस, और इस रील की बैक स्टोरी है कि मैं और मृणाल दी ऐसे पहले से ही प्लान कर रहे थे कि हम लोग रील बनाएंगे, बट ऐसा मौका नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली आज मेरा लास्ट डे था, मतलब हम सबका ही लास्ट डे था, तो मृणाल दी ने बोला कि आज बनाएंगे रील कैसे भी करके। तो शी वॉज सो स्वीट एंड हम्बल कि उन्होंने पैकअप के बाद आके बनाया, पूरी रात शूट करने के बाद 7:30 सुबह के 7:30 हो रहे थे और उन्होंने रील बनाया। सो यस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये रील आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जाके चेक कर लेना गाइस। सो गाइस, ये हैं हमारे शेफ़ करीम खान जी, जिन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा ITC में, एंड बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, अगर आप भी ऊटी आते हैं तो ज़रूर आइए एक बार यहाँ पर और मिलिए इनसे, बहुत अच्छे से ध्यान रखा इन्होंने मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So guys, finally it's time to check out and go to our house, Mumbai. तो हाँ, पैकिंग हो गई है, बस अभी हम कार भी रेडी है, बस अभी हम सामान लेंगे और जाएंगे नीचे एंड फिर पहुँचेंगे एयरपोर्ट, जो कि है यहाँ से 3 hours दूर, 3 to 4 hours लगेंगे बिकॉज़ पूरा डाउन हिल जाना है। तो हाँ गाइस, मिलता हूँ मैं आप सबसे, फिर जा रहा हूँ मैं ऊटी से अपने घर, मतलब अभी तो पहले कोयम्बटूर जाऊँगा, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच ऊटी, थैंक यू सो मच रूम, थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज लवली एक्सपीरियंस। तो अभी चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ एंड अभी बस 30 मिनट्स में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर मैं पहुंच जाऊँगा मुंबई। तो बस मैं मिलता हूँ आप सबसे मुंबई पहुँच कर, है ना। तो अभी बस टाइम है थोड़ा 30-40 मिनट में, वेट करते हैं। सो गाइस, अभी हमने बोर्ड भी कर लिया है एंड वी आर टेकिंग ऑफ। इसी के साथ करते हैं अब ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में। तो टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।